हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का है जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्लासेस है, फर्स्ट चैप्टर है डिप्लोमा इन फार्मेसी का ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो आप लोगों को बता दिया हूँ, एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, ग्रोथ एनाटॉमी क्या होता है, वो तो बता दिया हूँ। बट आज का बता रहा हूँ वीडियो में जो आप लोगों को बताऊंगा कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिलियन में हम लोग कैसे आप लोगों को मतलब इंसान को जन्म मतलब फर्स्ट माना जाता है। हर मिलियन में सबसे बड़ा इंसान ही होता है जो बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब वर्किंग ज्यादा होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग आर आर्ग्यूएबली क्वेश्चन एवली परहैप्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑन दिस पैलेंट इमेजिन। देखिए, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑन दिस पैलेंट मतलब पृथ्वी पर ज्यादा जाने वाला पूरा ब्रह्मांड में ह्यूमन बॉडी है। जो इमेजिंग बिलियन ऑफ द माइक्रोस्कोप पार्ट इज विद इट इज वन आइडेंटिटी वर्किंग, मतलब माइक्रोस्कोप से देखा गया कि मोस्ट आइडेंटिकली वर्किंग करता है टुगेदर इन द ऑर्गेनिज्म मैनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द टोटल बीइंग द ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी का है मैनली वो इमेजिंग से देखा गया मैनल बेनिफिट और अच्छा काम करता है, इसका अच्छा मतलब उपयोग होता है। तो आप लोगों को हमने बताया जैसे टुगेदर इन द ऑर्गेनिज्म मैनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द टोटल बीइंग द ह्यूमन बॉडी इज सिंगल स्ट्रक्चर मतलब वन स्ट्रक्चर मतलब है वन स्ट्रक्चर बट इट मेड अप बिलियन ऑफ द स्मॉलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एट सिक्स लेवल। तो आप लोग सिक्स लेवल के बारे में जानेंगे कैसे हम लोग इंसान का बॉडी में क्या क्या मिल के बना है और इंसान का जो काम करता है क्या वजह से क्या बीमारी होती है, इसके बारे में ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताता है। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट है केमिकल, जो केमिकल लेवल कहते हैं, उसके बाद टिश्यू लेवल कहते हैं, ऑर्गन लेवल कहते हैं, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हैं, सेलुलर लेवल। इसको याद करना हो तो कैसे बच्चे याद करें, तो आप लोग कैसे याद करेंगे कि कौन, देखिए सी है ना, सी लिखिए और देखिए ए दो तीन तीन है, तो आप लोग कैसे याद करना है तो पहले सी सी डबल थ्री और टी लिखिए बस। तो आप लोग कैसे हो गया, ये कैसे याद हो जाएगा, सी डबल है सी ओ एक दो तीन चार पाँच छ, तो आप लोग सीसीटीवी देखे होंगे, सीसीटी देखे होंगे और डबल ओ और ट्रिपल ओ, तो ऐसे याद कर लेना है। सीसीटीवी ट्रिपल जीरो पावर का है, सीसीटीवी जीरो ट्रिपल पावर का है, ऐसे याद कर लेंगे। नहीं तो कौन कहता है, कौन देखिए सीसीटी डबल जीरो, सीसीटी डबल जीरो से याद कीजिए, इसे आप लोग याद हो जाएगा कि किस सी से होता है सेलुलर, सी से होता है केमिकल और सी से टी से होता है टिश्यू, ओ से होता है ऑर्गन, ओ से होता है ऑर्गेनिज्म, ओ से होता है ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे सीसीटी डबल ओ ट्रिपल ओ, ठीक है दोस्तों। इसका फॉर्मूला है जो आप लोग याद कर लेंगे तो इसका पूरा याद हो जाएगा सिक्स, ठीक है। ये तो हो गया आप लोग याद करने का, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग केमिकल लेवल कैसे हम लोग मतलब केमिकल लेवल में क्या क्या पाया जाता है, किसके वजह से हम लोग केमिकल लेवल को ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कैसे हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गन, तो आप लोग देखे होंगे कि केमिकल लेवल दिस बेसिक लेवल है एंड इंक्लूड एटम मॉलिक्यूल। जो केमिकल लेवल है बेसिक लेवल है इन द इंक्लूड एटम बेस्ड इन कोल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल सर्टेन एटम सच एज कार्बन। देखिए ह्यूमन बॉडी में क्या क्या पाया जाता है, किसके वजह से शरीर कमजोर होता है भी बताता हूँ। देखिए कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, इसी की वजह से शरीर का जो एनर्जी है जो पावर है इसी की वजह से पाया जाता है। देखिए
केमिकल लेवल में जो केमिकल हम लोग खाते हैं, मान लीजिए कोई भी प्रोटीन लेते हैं तो उसमें कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सब सारी पदार्थ मिल के हम लोग को ये देता है केमिकल लेवल में। जैसे खाना फूड जो लेते हैं हम लोग, इसको मतलब इसमें लेके ये सारी बात देते हैं केमिकल लेवल में। केमिकल लेवल ना हो बॉडी स्ट्रक्चर में तो शरीर कोई काम नहीं करेगा। दोस्तों देखिए, फास्फोरस कहाँ पा जाता है, कैल्शियम कहाँ पा जाता है, कैल्शियम को जैसे आप लोगों का हड्डियां कमजोर हो जाती है, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, आप लोग पता होगा, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, अभी इतने ही बता रहा हूँ। देखिए इसको याद करना हो, देखिए ऐसे याद करना है, दिस वेरी बेसिक लेवल एंड द इंक्लूड एटम एंड सर्टेन एटम सच एज कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कौन कौन होते पास करने वाला, कौन होते पास करने करने कौन कौन होते कौन देखिए कौन यहां पर लिखिए, ऐसे लिखिए CON, कौन हमें पास कर सकता, कौन हमें पास कर सकता है, यहाँ पर कौन हमें पास कर सकता, कौन हमें पास कर सकता, देखिए देखिए यहाँ पर कौन से होता है, कार्बन, ओस होता है ऑक्सीजन, यंस होता है नाइट्रोजन, यस होता है हाइड्रोजन, पीस होता है फास्फोरस, केसीस होता है कैल्शियम, और कैल्शियम सी एस होता है कैल्शियम, और सल्फर यस सल्फर। तो कौन हमें कहता, कौन हमें पास कर सकता, कौन हमें पास कर सकता, इसका ये है याद करने के लिए तरीका, कौन हमें पास कर सकता। जैसे कौन हमें खिला मतलब क्रिकेट खेल सकता, कौन हमें पास कर, कौन हमें हमें पास कर सकता, इसके वजह से आप लोग याद करिएगा। मान लीजिए कौन हमें खिला सकता है, जा रहे हैं क्रिकेट खेलने तो बोलेंगे कौन हमें क्रिकेट खिला सकता है, तो हम ऐसे बोलेंगे कौन हमें पास कर सकता है, ठीक है। इसको याद करने के लिए तरीका, आर एसेंटली फॉर द मेंटली लाइफ, देखिये इसी को वजह से हम लोग शरीर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है इसी से बना रहता है और अच्छा से काम करता है। इसेंटली फॉर द मेंटेनिंग लाइफ मतलब शरीर को मतलब अच्छा खासा दिखाई देता है, दुबला पतला नहीं होता है, ये पूरा रहेगा तो शरीर मस्त रहेगा और दिखने में लुकिंग अच्छा रहेगा। टू फेमिलर मोलिक्यूल फाउंड इन द बॉडी आर डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, देखिए इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए मेन काम होता है, जो टू फेमिलर मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द बॉडी आर द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए उसको कहते हैं, द जेनेटिक मटेरियल पासेज फ्रॉम वन जेनरेशन टू द नेक्स्ट एंड ग्लूकोज कॉमनली नोन एज फूड शुगर। तो फूड शुगर इसमें देखिए कॉमनली जो हम लोग पदार्थ लेते हैं केमिकल लेवल में, इसमें डीएनए होता है, डीएनए देखिए डीएनए कहाँ होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ऐसा आप लोगों को कौन सा बॉडी में पूछता है क्वेश्चन में डीएनए मतलब डीएनए का पूरा फुल फॉर्म बताने के लिए, तो ऐसे बताइएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे डीएनए कहते हैं। तो दोस्तों याद करने के लिए तरीका बता दिया और ये भी बता दिया केमिकल में क्या पाया जाता है, किसके वजह से बॉडी स्ट्रक्चर का मस्त दिखाई देता है, लुकिंग अच्छा दिखाई, एसेंटली लाइफ होता है मतलब इसी को वजह से हम लोग जीवित हैं, ये ना रहे तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। तो दोस्तों इसके मतलब इसलिए इसको केमिकल लेवल पढ़ा जाता है, केमिकल लेवल इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसके बारे में जाने और बॉडी स्ट्रक्चर में क्या काम करता है केमिकल लेवल, इसके बारे में जाने, इसका एसेंटली काम क्या है लाइफ में मतलब जिंदगी में क्या काम करता है केमिकल लेवल। उसी तरह टिश्यू लेवल होता है, टिश्यू लेवल का भी एग्जाम्पल बता दूंगा, टिश्यू लेवल होता है देखिए इंडोक्राइन सिस्टम एपिथिलियम में काम आता है, एपिथिलियम होता है इसमें टिश्यू लेवल,
सेलुलर होता है, मस्कुलर होता है, नर्वस होता है। तो ऐसा एपिथेलियम हो गया, सेलुलर लेवल हो गया, सेलुलर एपिथेलियम हो गया एपिथेलिया, तो मस्कुलर एपिथेलियम, नर्वस एपिथेलियम। ऑर्गन लेवल में क्या होता है, स्किन होता है, हार्ट होता है, बोन होता है, लीवर होता है। ऑर्गन आप उससे पूछ दे ऑर्गन क्या है, व्हाट इज ए ऑर्गन, तो आप लोग क्या बताएंगे ऑर्गन में क्या पाया जाता है, टिश्यू लेवल में क्या पाया जाता है, तो टिश्यू लेवल में तो आप लोग बता देंगे एपिथेलियम हो गया, सेलुलर लेवल हो गया, मस्कुलर एपिथेलियम हो गया, नर्वस एपिथेलियम हो गया, ये तो बता दिए। चलिए जानेंगे तो अभी तो बताएंगे ऑर्गन लेवल क्या होता है। ऑर्गन लेवल में होता है स्किन हो गया, हार्ट हो गया, बोन्स हो गया। देखिए याद करने के लिए तरीका, ऑर्गन लेवल क्या होता है, स्किन हो गया, स्किन हो गया, हार्ट हो गया जो हार्ट आप लोगों का है, बोन्स हो गया, बोन्स आप लोगों को पता है, ब्रेन हो गया और लीवर हो गया, स्टोमच स्टोमक हो गया, तो इसके बारे में आप लोग बताता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है, जो से एलेवन जो आप लोग ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ते हैं, एलेवन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब आता है। ऑर्गेनिज्म लेवल क्या होता है ये भी बताऊंगा। सेलुलर लेवल क्या होता है, सेलुलर लेवल में आता है एम से मस्कुलर एपिथेलियम, नर्वस सिस्टम, ऐसा आता है दोस्तों। इसलिए हम कह रहे हैं जो बच्चे इसमें पढ़ रहे होंगे, वीडियो में देख रहे होंगे, जरूर आए और इसके बारे में जानकारी ले। आप लोग याद करने के लिए 80% तो बता दूंगा कैसे याद करना होता है, ठीक है दोस्तों। और कुछ तकलीफ हो तो बोलिए, कमेंट करके बोलिए। जो बच्चे देख रहे हैं सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों।